तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है ना, जो तीन वर्ड से मिलके बना है। ग्रीक मतलब जैसे अपन इंडियंस ऐसे ग्रीक भी लोग होते हैं, तो उनकी लैंग्वेज से तीन वर्ड हमने लिए और उससे ट्रिग्नोमेट्री बना दिया। कौन से वो तीन वर्ड है? तो वो है ट्राई। कौन से वर्ड है वो? वो है ट्राई गॉन मेट्रॉन, METRON। ठीक है, तो ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है साइड, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ठीक, तो बेसिकली तीन साइड वाले जो भी हमारा क्लोज फिगर ट्राइंगल जिसको हम कहते हैं, उसके मेजरमेंट से रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं? जो ट्राइंगल होता है उसके साइड और उसके एंगल के बीच का रिलेशनशिप, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं। इसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो ये आप दिल्ली गए कुतुब मीनार देखने, ठीक है, आप चले गए भैया कुतुब मीनार देखने। मान लो इसके एप्लीकेशन क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं हम, वो देख रहे हैं थोड़ा सा। मान लो आप कुतुब मीनार देखने गए, आपको इसकी हाइट पता करनी है कितनी है, आपको तो नहीं पता है, तो आपको ये पता है कि यार मैं इतना सा हूँ, मुझे एंगल पता है, कुछ एंगल बन रहा है एक, और मुझे डिस्टेंस पता है कुतुब मीनार से कितने की, लेट्स से वो एक्स है। तो अगर आपको कोई दो चीज़ पता है, कौन सी दो चीज़, हाइट या फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस या एंगल, तीनों में से कोई दो चीज़ पता है, तो आप तीसरी चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर आती है ट्रिग्नोमेट्री का यूज़। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप दुबई चले गए, कहाँ चले गए, दुबई। अब ये जो दुबई गए हैं, मान लो आप दुबई चले गए, और दुबई आप क्यों गए हो? दुबई आप गए हो बुर्ज खलीफा देखने। ठीक, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये थोड़ा ठीक नहीं बना है। मान लो आप बुर्ज खलीफा देखने पहुंच गए दुबई, अरे यार ये फिर ख़राब बन गया। ठीक, मान लो आप दुबई पहुंच गए बुर्ज खलीफा देखने, अब हुआ क्या? मान लो आप एक कुछ एंगल बना रहे हो, लेट से ये एंगल ए है, कोई भी नाम मान लिया मैंने एंगल का, और आपको बुर्ज खलीफा की हाइट पता है, लेट से ये जो हाइट है कैपिटल एच। अब आपको निकालना है कि आप अभी बुर्ज खलीफा से कितनी दूर हो, निकाल सकते हो इजीली बाय द यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपने आसमान में हॉट एयर बलून देखा, ठीक है, क्या देखा, हॉट एयर बलून। अब यहाँ पर आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि आप मम्मी को बुला के ले आए, मम्मी मम्मी मैंने हॉट एयर बलून देखा था। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एंगल था A1, लेकिन जब आपकी मम्मी आई तो उन्होंने देखा, आपने क्या देखा कि जो आपका जो बलून है वो थोड़ा सा आगे निकल गया है, ठीक है। अब ये जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है A2, तो यहाँ पर पहले उसकी पोजीशन क्या थी और अब पोजीशन क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस अगर मान लें एक्स है, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो किससे, बाय द यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंगल निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, कुछ भी। ठीक, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि ट्राइंगल, उसके साइड्स और जो एंगल बन रहा है इनके बीच का रिलेशन, ठीक है, इनके बारे में स्टडी। इतनी चीज़ आई समझ में? अब 10th क्लास में आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ आप निकालोगे वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए निकालोगे, जबकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं है सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। ठीक, आप लगा सकते हो साइन थीटा, आप कहीं पे भी लगा सकते हो, ऐसे ट्राइंगल में भी लगा सकते हो जो एक्चुअली में राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं, ठीक है। लेकिन आप जिस क्लास में हो अभी 10th में, उसमें सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात की गई है आपके NCERT में, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, और ये कुछ ABCD जैसा लग रहा है जो आप पहले पढ़ बचपन में पढ़ चुके हो, A4 apple, B4 ball, लेकिन ध्यान से देखो कुछ अलग है। A4 alpha, B4 beta, जैसे ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ये है गामा, ये है डेल्टा, ये है एप्सिलॉन, ये है जीटा, ये है ओमेगा, ये है साई, ये है चाई, कितने सारे ऊटपटांग अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं आपको। तो ये सारे हैं ग्रीक अल्फ़ाबेट्स। कौन से हैं? ग्रीक।
GREEK ग्रीक अल्फ़ाबेट। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ भाई साहब, ABCD क्यों पढ़ा रहा हैं वो भी ग्रीक की। देखो क्या है ना कि इसमें कुछ कुछ लेटर्स हैं, सॉरी कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपको काम में आने वाले हैं, फिज़िक्स में भी काम में आएंगे और मैथमेटिक्स में भी काम में आएंगे। जैसे जीटा, म्यू, कप्पा, आयोटा, थीटा। ये जो थीटा दिख रहा है ये तो अपने काम में आएगा एंगल मानने में। तो थीटा, फाई, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है काम में आने वाले हैं। कौन कौन से? फाई होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, ठीक है, लैम्डा होना चाहिए। जैसे ये है थीटा, ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे वाले को याद रखो, ठीक। ऊपर वाले को अपन एक काम करते हैं, ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे वाले को याद रखो। ऊपर वाला कैंसिल कर देता हूँ मैं, ऊपर वाला कैंसिल करो, नीचे वाले को याद रखो। कौन कौन सा याद रखना है? ये है अल्फा, ये है बीटा, तो आपको ये वाला थीटा याद रख लो एक, और एक फाई याद रख लो। वैसे तो लैम्डा भी काम में आता है, डेल्टा भी काम में आता है, अल्फा काम में आता है, ये बीटा काम में आता ही है, ठीक है, सिग्मा, रो भी काम में आता है, पाई तो आपको पता ही है ना, म्यू भी काम में आता है, टाउ भी काम में आएगा बाद में, ओमेगा भी काम में आता है। तो यूजुअली सारे लेटर्स काम में आते ही हैं, ठीक। तो थीटा मैंने बता दिया क्या होता है, ग्रीक अल्फ़ाबेट, इतना घबराने वाली बात नहीं है, हम इसका यूज़ करेंगे एंगल को मानने में। तो सर ये समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया, एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है वो समझ में आ गया, अब आगे क्या? तो आगे क्या है वो देखो, इसको मैं मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, ये देखो ये चल क्यों नहीं रहा है, हाँ चल गया। अब आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, मज़ा आ जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है हम जो 10th में पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल से समझेंगे क्या होता है। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पर, ये मेरा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, मैं नाम रख देता हूँ ए बी और सी, ठीक है। और ये जो ए एंगल है ना, मैं यहाँ पर भी थीटा मान लेता हूँ, जो अपन ने थोड़ी देर पहले सीखा था, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। और ये जो बी है ये है 90 डिग्री, लिख नहीं रहा हूँ 90, मैंने ऐसा सिंबल बना दिया 90 डिग्री। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, ये जो थीटा के सामने वाली साइड दिख रही है ना, इसको बोलते हैं साइड ओपोजिट टू एंगल, साइड ओपोजिट टू एंगल। ये जो ए बी दिख रही है इसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल, और ये जो बड़ी वाली साइड दिख रही है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक। अब एक चीज़ हमें समझनी है, ये जो साइड अपोजिट टू एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल, इनको अपन ना पूरा पूरा ए बी लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन मैं इनको इजी बनाने के लिए क्या मान लेता हूँ, मैं इनको नाम दे देता हूँ। जैसे थीटा के सामने वाली साइड को मैंने बोल दिया परपेंडिकुलर, जिसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। जो बाजू ए बी को मैंने लिख दिया बी, बेस, और जो एच है वो मैंने लिख दिया हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लिख देता हूँ मैं, परपेंडिकुलर, और ये है बेस, और ये हाइपोटेनियस तो है ही, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात ये, हमने ये पूरा लिख दिया, तो ये क्यों बताया जा रहा है हमें? ये राइट एंगल ट्रायंगल में नाम किस चीज़ के कैसे हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, कि थीटा अगर मैंने ये मान लिया तो ये सामने थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस, और ये बेस नीचे वाला कोई भी ट्रायंगल का। अब यहाँ पर आपने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी होगी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो तो हमें नहीं पढ़ना है अभी फ़िलहाल। लेकिन हम क्या करेंगे, रेशोज़ निकालेंगे।
अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो मतलब ट्राइंगल की जो साइड्स के रेशोज़ के बारे में पढ़ते हैं, साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशनशिप। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने साइड्स, हमारे पास तीन ही साइड्स हैं। कौन कौन सी साइड्स हैं वो, अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सी हैं, मैं पेन थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हमारे पास है पी, हमारे पास है बी, हमारे पास है एच। तो एक बार हम पी बी ले सकते हैं, एक बार हम पी एच ले सकते हैं, और एक बार हम बी एच ले सकते हैं। इनके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप दो साइड्स को ले लो और वो इनसे अलग निकल जाए। तीन तरीके हैं जिनसे आप अलग अलग को ले सकते हो। अब इनका रेशो निकाल लेते हैं। एक निकल जाएगा पी बाय बी, एक निकल जाएगा बी बाय पी, एक निकल जाएगा पी बाय एच, एक निकल जाएगा एच बाय पी, एक निकल जाएगा बी बाय एच, एक निकल जाएगा एच बाय बी। ये मैंने रेशोस निकाल दिए। अब कमाल की बात पता है क्या है, इन रेशोस का अपन ने नाम रख दिया है, ठीक है। इन सब रेशोस के अपन ने नाम रख दिए हैं। अब वो नाम बड़े कमाल के रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे रखे हैं। देखो, जो पी बाय एच का नाम रखा है ना, पी बाय एच, बी बाय एच और ये पी बाय बी, इनका नाम रख दिया मैंने साइन थीटा, इनका नाम रख दिया मैंने कॉस थीटा, और इसका नाम मैंने रख दिया टेन थीटा। समझ आया? कुछ नहीं किया, जो साइड्स के रेशो हैं मैंने इनका नाम रख दिया। साइन थीटा का मतलब पी बाय एच, रेशो रेशो को बोल रहे हैं, मतलब एक ट्राइंगल की जो साइड्स का रेशो है पी बाय एच, उसको बोल रहे हैं साइन थीटा। तो थीटा बेसिकली एक एंगल है, और एंगल के सामने वाली साइड यानी कि पी, और जो सबसे बड़ी साइड यानी कि हाइपोटेनियस, इनका रेशो को हम बोल रहे हैं साइन थीटा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज़ इक्वल टू पी बाय एच, सिमिलरली फॉर कॉस थीटा, सिमिलरली फॉर टेन थीटा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक और चीज़ समझनी है, तो बाकी के रेशोस का क्या? बाकी के रेशोस तो सर आपने बताई नहीं, हमारे पास बी बाय पी भी तो था। हाँ, तो वो भी देखना है, तो वो रेशोस भी देख लेते हैं। जो एच बाय पी होगा उसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को हम क्या बोलते हैं, एच बाय पी। ये होता है साइन का इन्वर्स, यानी कि साइन अगर आप देखोगे तो 1 बाय साइन थीटा इज़ इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, और 1 बाय कॉस थीटा इज़ इक्वल टू होता है सेक थीटा, जिसको हम लिखते हैं एच बाय पी, ठीक है। क्योंकि ये तो अपोजिट हो गया ना इसका, बी बाय एच का, और आखिरी में हमारे पास मिलेगा 1 बाय टेन थीटा, जिसको हम बोलते हैं कॉट थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं पी बाय बी बाय पी। इतनी चीज़ समझ में आई, ठीक है। इसको मैं ऐसे डब्बे में बंद कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है, और ये देखो। नाउ अब आपको एक बढ़िया सी चीज़ क्या समझनी है, बढ़िया सी चीज़ वो ये समझनी है कि ये असल में जो नाम दिखा रहे हो ना, ये असल में एब्रीविएशन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके पूरे पूरे नाम है। इनके पूरे नाम मैं साइड में लिख देता हूँ। इनका पूरा पूरा नाम था साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट, TANGNT, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, ये नाम था, और हमने क्या लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा। तो साइन का पूरा नाम था SINE साइन। उसी तरीके से जो कॉसेक था, कॉसेक का नाम था कोसीकेंट, COSECANT, कोसीकेंट ऑफ एंगल थीटा, इसका नाम था सीकेंट, SECANT, सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, इसका नाम था कोटेंजेंट, COTANGENT, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। अब ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अभी मैं एक काम करूँगा, आपको ये रेशोज़ याद करने की ट्रिक बता देंगे, क्योंकि अब ये हमें तो समझ में आ गया, साइन थीटा पी वाई एच होता है, कॉस थीटा बी वाई एच होता है, टेन थीटा पी वाई बी होता है, लेकिन इनको याद कैसे करें, कोई ट्रिक है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो वो ट्रिक क्या है, आप इस तरीके से याद रख लो, पंडित
बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये काफ़ी टाइम से हम जब बचपने में थे हमको भी टीचर ने यही सिखाया था, ठीक है। तो मतलब आज से 12-13 साल पहले भी हमने यही पढ़ा, 13 और ज़्यादा ही हो गए, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस, ठीक है। इसको हम लिखेंगे साइन थीटा, इसको बोलेंगे कॉस थीटा, इसको बोलेंगे टेन थीटा। एक और चीज़ याद रखने वाली है, खाली साइन थीटा मत लिख देना, सॉरी खाली साइन मत लिख देना, ये गलत है, क्योंकि साइन अपने आप में कुछ नहीं होता, एंगल के साथ होता है, ठीक है। तो ये मैंने एक फिर से ट्राइंगल बना लिया, ए, ये बी और ये सी, ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। तो साइन थीटा का क्या मतलब है, पी बाय एच, और ये बेस है बी, ये बेस है। जिस एक काम करते हैं, इसको अलग पेन से लिख लेते हैं अपन, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये मैं लिख लेता हूँ रेड से, ये पी है, ये एच है और ये बी है, ठीक। अब देखते हैं साइन थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, पी बाय एच, कॉस थीटा की बी बाय एच, और टेन थीटा की पी बाय बी। और मैंने इसका इन्वर्स भी बताया है, साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा, और टेन थीटा का क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा, राइट। ये हो गया। अब हमें एक चीज़ ये समझनी है, मान लो अगर हम थीटा ये वाला ले लेते हैं एंगल सी के पास, यहाँ पर लेट से दिस इज़ फाई, तब क्या होता, तो सब कुछ अलग हो जाता, पता है आपको, तब सब कुछ अलग हो जाता, तब फाई के सामने वाली साइड हो जाती परपेंडिकुलर, यानी कि ये ए बी, दिस बाय दिस, राइट। तो अगर मैं साइन फाई की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, ये निकलेगी ए बी अपॉन ए सी, यानी कि बी अपॉन एच। और अगर मैं कॉस फाई निकालूं तो क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा पी अपॉन एच, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। यहाँ पर देखो आपको बी सी दिख रहा है और यहाँ पर आपको ए सी दिख रहा है, ठीक। और अगर मैं टेन फाई निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा, टेन फाई हो जाएगा पी, सॉरी बी अपॉन पी। या फिर देखो ये मैंने वैल्यू मानी है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये मैंने वैल्यू मानी, लेट से दिस इज़ पी, लेट से दिस इज़ बी, लेट से दिस इज़ हाइपोटेन्यूस। तो जब फाई को आप कंसीडर करोगे तो जो बी है ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा, जो ये वैल्यू है, ये नाम नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने बी को बेस को बी लिख दिया या पी को बी वो लिख दिया है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट कर रहा है और पी जो है बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये कुछ रेशोस थे, इसके बाद हम कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइडेंटिटीज़ और इसके अलावा जो टेबल होती है जिसमें हम वैल्यूज़ निकालते हैं उसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।